नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बिजन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। सोना 60,050 पर सेल, चांदी 450 सस्ती और स्टार्टअप निवेश 45% गिरा। वैश्विक ब्याज दरों में बढ़ोतरी और बढ़ती अनिश्चितता के बीच निवेशकों का अधिक सावधान रहना गिरावट की मुख्य वजह। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को सोने की कीमत 60,050 रुपए प्रति 10 ग्राम पर अपरिवर्तित रही। हालांकि चांदी 450 रुपए टूटकर 75,350 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना $1,922 प्रति औंस और चांदी $23.45 प्रति औंस पर थी। हाल के मजबूत अमेरिकी मैक्रो डाटा और फेडरल रिजर्व की FOMC नीति बैठक की तीखी टिप्पणियों के बाद डॉलर सूचकांक में मजबूती आई है, जिससे सोने की कीमतों पर असर पड़ा है। वायदा कारोबार में सोने का अक्टूबर अनुबंध 102 रुपए गिरकर 58,844 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी का दिसंबर अनुबंध 171 रुपए टूटकर 73,167 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, NBCN न्यूज। तमिलनाडु देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का केंद्र बनने के अपने लक्ष्य को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष जनवरी से सितंबर के बीच पूरे देश में बेचे गए कुल 10 लाख बिजली चालित वाहनों में से 4 लाख यानी करीब 40% की बिक्री राज्य में हुई है। सरकार ने सोमवार को यह जानकारी दी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि देश भर में सितंबर तक 10,44,600 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किए, जिनमें से 4,14,802 वाहन तमिलनाडु में बेचे गए हैं। बयान के अनुसार यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह सरकार द्वारा इस क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के कदम को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NBCN न्यूज। सरकार ने तुअर दाल और उड़द दाल की कीमतों पर नियंत्रण और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्टॉक लिमिट 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। साथ ही स्टॉक होल्डिंग लिमिट को भी रिवाइज किया है। डिपो में बड़ी चेन रिटेल्स और थोक विक्रेताओं के पास स्टॉक की सीमा 200 मीट्रिक टन से घटाकर 50 मीट्रिक टन कर दी गई है। इससे पहले स्टॉक लिमिट 30 अक्टूबर तक लागू थी। सरकार ने कहा कि स्टॉक सीमा में संशोधन और टाइम पीरियड बढ़ाने का फैसला जमाखोरी को रोकने के लिए किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NBCN न्यूज। वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के बीच भारतीय कृषि प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप के निवेश में 45% की गिरावट आई है। इसकी मुख्य वजह वैश्विक ब्याज दरों में बढ़ोतरी और बढ़ती अनिश्चितता के बीच निवेशकों का अधिक सावधान रहना माना जा रहा है। एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। परामर्श कंपनी FSG की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 से 2023 के बीच वैश्विक स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी निवेश में 10% की गिरावट आई है। FSG को वित्त वर्ष 2024 में भी निवेश में गिरावट आने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2025 में इसके बढ़ने की संभावना है। उसे उम्मीद है कि स्टार्टअप अगले वित्तीय वर्ष से निपटने के लिए लाभ बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेंगे। रिपोर्ट के अनुसार निवेशकों के सतर्क रहने और अपने सीमित कोष को स्थापित व्यवसाय मॉडल में लगाने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, NBCN न्यूज। सूचना प्रौद्योगिकी IT हार्डवेयर क्षेत्र में 17,000 करोड़ रुपए की उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन PLI योजना के लिए 40 में लगभग 30 आवेदक चयनित हो सकते हैं। एक सरकारी अधिकारी ने यह अनुमान जताया है। डेल, HP और लेनोवो सहित कम से कम 40 कंपनियों ने योजना अवधि के दौरान 4.65 लाख करोड़ रुपए के पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर और अन्य उपकरण बनाने की प्रतिबद्धता के साथ IT हार्डवेयर PLI योजना के लिए आवेदन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NBCN न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। सोना 60,050 पर सेल, चांदी 450 सस्ती और स्टार्टअप निवेश 45% गिरा। वैश्विक ब्याज दरों में बढ़ोतरी और बढ़ती अनिश्चितता के बीच निवेशकों का अधिक सावधान रहना गिरावट की मुख्य वजह। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।